हेलो एवरीवन, दिस इज मनोज योर इंग्लिश कोच. वेलकम टू लव इंग्लिश. और आज के लेसन में द शेड पोएम की समरी को डिस्कस करेंगे. नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड. देयर इज अ शेड एट द बॉटम ऑफ द पोएट्स गार्डन एंड द पोएट विशेस टू विजिट इट वन डे. जो पोएट है, जो कवि है, उनके गार्डन के पास नीचे की साइड एक शेड है. शेड एक जगह होती है जहाँ पे हम स्टोरेज कुछ सामान को रखते हैं. और शेड के ऊपर एक छत होती है, वो कच्ची भी छत हो सकती है, पक्की भी छत हो सकती है. तो वो एक शेड है जो पोएट के गार्डन में है. और पोएट चाहते हैं कि वो उसको शेड को एक दिन जाएं, विजिट करें वहाँ पे. देयर इज अ स्पाइडर्स वेब ऑन द डोर ऑफ द शेड. और जो शेड है उसके जो डोर पे, दरवाजे पे, मकड़ी का जाला है. एंड इट्स हिंजेस आर रस्टी एंड क्रीक. और जो शेड है उनके जो हिंजेस हैं, हिंजेस को हम कब्जा बोलते हैं, जिससे दरवाजे लगाए जाते हैं, दरवाजे जिससे कि लगे हुए होते हैं. तो हिंजेस में जंक लगे हुए हैं और क्रीक साउंड करता है, यानी कि उसमें ऑयल भी नहीं है. तो जब हवा जब चलती है तो वो क्रीक साउंड करता है, यानी कि दरवाजे में से आवाज़ आती है. द पोएट ऑफन थिंक्स अबाउट इट वाइल लाइंग इन हिज बेड. और पोएट है वो हमेशा इस चीज़ के बारे में सोचते रहते हैं जब वो अपने बेड पे लेटे हुए होते हैं. तो ऑन वन साइड ऑफ द शेड, और शेड के वन साइड एक तरफ, देयर इज अ डस्टी विंडो. एक खिड़की है जो कि बहुत ज़्यादा धूल भरी हुई है जिसमें. एंड थ्री ऑफ इट्स विंडो पैन्स आर ब्रोकन. और जिसमें कि तीन विंडो पैन टूटे हुए हैं. द पोएट फील्स एज इफ समवन स्टेयर्स एट हिम थ्रू द विंडो. और पोएट को ऐसा लगता है कि कोई उस खिड़कियों में से उसको घूर रहा है. स्टेयर का मतलब था घूरना. एंड वेन एवर द पोएट विजिट्स दिस शेड. और जब भी पोएट शेड को विजिट करते हैं, ही वुड लाइक टू फाइंड आउट हु लिव्स देयर. और वो जानना चाहेंगे कि शेड के अंदर एग्जैक्टली कौन रहते हैं. द पोएट्स ब्रदर इनफॉर्म्स हिम That a ghost lives inside the shed. और जो poet है उनके brother उनको inform करते हैं कि shed के अंदर एक ghost रहते हैं, यानी कि भूत रहते हैं. And if the poet dares to enter the shed, the ghost would chop off his head. और अगर कभी जो poet हैं, अगर उसके अंदर shed के अंदर घुसने की हिम्मत करते हैं, जो ghost है, जो भूत है, वो उनके सिर को काट देंगे. Chop off का मतलब होता है काटना. Despite these warnings, in warnings के बावजूद the poet wishes to visit the shed and peep inside. In warnings के बावजूद जो poet है वो shed के अंदर जाना चाहते हैं, उसके अंदर झांकना चाहते हैं. peep का मतलब होता है झांकना. The poet believes that his brother tells him imaginary stories about the ghost as he wants to keep the shed for himself. और poet को लगता है कि जो उसका भाई है वो उनको एक imaginary story, यानी कि काल्पनिक झूठी कहानी सुना रहे हैं, भूत की झूठी कहानी सुना रहे हैं, क्योंकि वो शेड अपने लिए रखना चाहते हैं. ऐसा पोएट को लगता है. द पोएट नो लॉन्गर फील्स एनी वन स्टेयरिंग एट हिम और हियर्स एनी स्ट्रेंज नॉइजेज कमिंग फ्रॉम द शेड. और जो पोएट है उनको नहीं लगता कि कोई शेड में से कोई उनको घूर रहा है, या फिर उनको कोई भी आवाज़, अजीब आवाज़ सुनाई नहीं देती है शेड की तरफ से. द स्पाइडर टू इज नो लॉन्गर देयर. और मकड़ी भी नहीं है वहाँ पे. दस वेरी सून ही वुड गो इनसाइड द शेड. इसलिए वो उसके अंदर बहुत ही जल्दी जाना चाहते हैं शेड के अंदर. स्टैंजा वन. देयर इज अ शेड एट द बॉटम ऑफ आवर गार्डन विद अ स्पाइडर्स वेब हैंगिंग अक्रॉस द डोर. द हिंजेस आर रस्टी एंड क्रीक इन द विंड. व्हेन आई एम इन बेड आई लाई एंड लिसन. आई विल ओपन दैट डोर वन डे. हमारे जो गार्डन के नीचे एक शेड है, जहाँ पे शेड के जो दरवाजे के पास एक मकड़ी का जाला है, और जो हिंजेस है, जो कब्जे हैं, उसमें जंग लगे हुए हैं. और जब भी हवा चलती है तो उसमें से क्रीक साउंड, यानी कि नॉइज़ आती है. और जब भी मैं बेड पे हूँ, लेटा हुआ हूँ, तो मैं उनको सुनता हूँ. और एक दिन मैं उसका दरवाज़ा ज़रूर खोलूँगा. रेफरेंस. द अबव लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम फ्रैंक फ्लिंट्स पोम द शेड. जो ये लाइन्स हैं ये ली गई है फ्रैंक फ्लिंट्स, इनके पोएट हैं. और ये पोएम का नाम द शेड है. कॉन्टेक्स्ट. द पोएट इन दीज लाइन्स इज डिस्क्राइबिंग अ शेड दैट इज एट द बॉटम ऑफ हिज गार्डन. और लाइन में, जैसे कि हमने डिस्कस किया इससे पहले भी, तो लाइन में ये बताया गया कि गार्डन के नीचे एक शेड है और जिसके अंदर ऑथर जो पोएट है वो जाना चाहते हैं. एक्सप्लेनेशन. एट द बॉटम ऑफ द गार्डन देयर इज अ शेड. जो गार्डन के नीचे एक शेड है. हार्डली एनीबडी गोज इनसाइड द शेड. और बहुत ही कोई भी नहीं उस शेड के अंदर जाता है. देयरफॉर द हिंजेस और द डोर जॉइंट्स हैव बिकम रस्टी. क्योंकि उसके अंदर कोई जाता नहीं, तो हिंजेस जो कब्जे हैं दरवाजे के, उस पर जंग लग चुके हैं. एंड मेक अ लॉट ऑफ नॉइज. और बहुत ज़्यादा शोर होता है जब भी कोई, वेन एवर द विंड मेक्स देम मूव. और जब भी हवा से जो दरवाजे बंद होते और खुलते हैं, तो इससे बहुत नॉइज होता है.
व्हेन ए पोएट इज पीसफुली लाइंग इन द बेड, और जब भी पोएट अपने बेड पे लेटे हुए होते हैं आराम से, ही समटाइम्स हियर्स नॉइजेज फ्रॉम द शेड, उनको कभी कभार शेड में से कुछ शोर सुनाई देता है. द पोएट विशेज टू बी एबल टू ओपन द डोर ऑफ द शेड समडे, और जो पोएट है वो उनकी इच्छा है कि वो एक दिन शेड का जो डोर है दरवाजा उसको खोलेंगे. स्टैंजा टू. There's a dusty old window around at this side with three cracked panes of glass. I often think there's someone staring at me each time that I pass. I'll peep through that window one day. फिर स्टैंजा टू में वो ये बात कर रहे हैं. एक साइड पे एक खिड़की है जो कि बहुत ज़्यादा डस्टी है, बहुत ज़्यादा धूल है उसके ऊपर, खिड़की के ऊपर, विथ थ्री क्रैक्ड पैंस ऑफ ग्लास, और जिसमें कि तीन पैंस जो ग्लास है वो टूटे हुए हैं. मैं अक्सर ये सोचता हूँ कि कोई मुझे वहाँ से देख रहा है, उस खिड़की में से कोई देख रहा है जब भी मैं उसके आसपास से गुजरता हूँ. तो एक दिन मैं उसके अंदर जरूर झांकूंगा. आई पीप थ्रू दैट विंडो वन डे. पीप का मतलब होता है झांकना. कॉन्टेक्स्ट. द पोएट डिस्कसेस हाउ ही विशेस टू स्टेयर इनसाइड द शेड. अब इन स्टैंजा टू में ये बताया गया है कि कैसा जो पोएट है उनका क्या प्लान है, वो किस तरह से शेड के अंदर झांकेंगे. एक्सप्लेनेशन. द शेड हैज़ अ डस्टी ओल्ड विंडो ऑन इट्स साइड. जो शेड है उनके एक साइड पे खिड़की है जो कि बहुत ही डस्टी है, धूल भरी हुई है. थ्री ग्लास पैंस ऑफ द विंडो आर ब्रोकन. और जो विंडो है उसके तीन ग्लासेस जो शीशे हैं वो टूटे हुए हैं. वेन एवर द पोएट पासिस थ्रू द शेड. और जब भी पोएट शेड की तरफ से गुजरते हैं, गेट्स द फीलिंग एज इफ समवन वाज स्टेयरिंग एट हिम. और जब भी वो उसके पास से गुजरते हैं तो उनको ऐसी फीलिंग लगती है, उनको लगता है कि कोई उनको घूर रहा है. टू फाइंड आउट द पोएट विशेज टू पीप इन साइड द शेड. और इसको जानने के लिए जो पोएट है उनकी विश क्या है कि वो शेड के अंदर से झांके. स्टैंजा थर्ड. माई ब्रदर सेज देयर इज अ गोस्ट इन द शेड हू हाइड्स अंडर द रोटन फ्लोर बोर्ड्स एंड इफ आई एवर डेयर टू सेट फुट इन साइड ही विल जंप आउट एंड चॉप ऑफ माई हेड बट आई विल टेक पीक वन डे. जो मेरे भाई है वो ये कहते हैं कि शेड के अंदर एक भूत है जो कि सड़े हुए जमीन के नीचे, क्योंकि वो शेड लकड़ी से बना हुआ है तो वो सड़े हुए जमीन के नीचे छुपा हुआ है. और जब भी अगर मैंने कोशिश की शेड के अंदर डालने की, अगर शेड के अंदर में जाने की मैंने कोशिश की, तो जो भूत है वो जंप करेगा, कूदेगा और मेरे जो सर है उसको काट देगा. पर मैं एक दिन उसके अंदर जरूर झांकूंगा. कॉन्टेक्स्ट. इन दीज लाइन्स द पॉइंट डिस्कसेज हाउ हिज ब्रदर वॉन्ट्स हिम अबाउट द गोस्ट इन साइड द शेड. और वो स्टैंडर्ड थर्ड में पॉइंट ये बता रहे हैं कि जो उनके ब्रदर हैं वो उनको कैसे वार्न कर रहे हैं, कैसे वो चेतावनी दे रहे हैं कि आपको शेड के अंदर नहीं जाना है. एक्सप्लेनेशन. द पॉइंट्स ब्रदर टॉक्स अबाउट द प्रेजेंस ऑफ गोस्ट इन साइड द शेड एंड वॉन्ट्स द पॉइंट दैट इफ ही वेंट इन साइड द शेड द गोस्ट वुड चॉप ऑफ हिज हेड. जो पॉइंट है, पॉइंट के जो ब्रदर है वो बोलते हैं कि शेड के अंदर घोस्ट हैं, और वो यही बोलते हैं कि आप इसके अंदर नहीं जाएंगे, अदरवाइज वो आपके हेड को चॉप ऑफ कर देंगे, काट देंगे. हाउएवर दिस डज नॉट मच फ्राइटन द पॉइंट. इतने कहने के बावजूद भी जो पॉइंट हैं वो डरते नहीं हैं. फ्राइटन का मतलब होता है डरना. ही स्टिल विश टू वन डे स्टेप इन साइड दिस शेड एंड सी फॉर हिमसेल्फ. वो उनकी इच्छा है कि वो एक दिन शेड के अंदर जाएंगे और वो खुद ही देख लेंगे कि एग्जैक्टली उसके अंदर क्या है. स्टैंजा फोर. आई नो दैट देयर इज इजंट रियली अ गोस्ट. My brother tells lies to keep the shed for his den. There isn't anyone staring or making strange noises, and the spider has been gone from his web since I don't know when. I'll go into that shed one day soon, but not just. मुझे ये पता है कि उसके अंदर कोई असली का भूत नहीं है. मेरा जो भाई है वो मुझे झूठ बोलते हैं ताकि वो जो शेड है वो अपने लिए रख लें. और इसके अंदर शेड के अंदर कोई भी नहीं जो मुझे स्टेयर कर रहा है, कोई मुझे घूर रहा है या फिर कोई अजीब तरह की शोर कर रहा है. और जो मकड़ी था वो भी वहाँ से जा चुका है, जो मकड़ी का जाल था वो भी वहाँ से जा चुका है, पर मुझे नहीं पता वो कब जा चुका है. एक दिन मैं उसके शेड के अंदर जरूर जाऊँगा, बहुत जल्द जाऊँगा, पर अभी नहीं. एक्सप्लेनेशन. द पोएट इज एबल टू ओवरकम हिज फियर. जो पोएट हैं उन्होंने जो उनके पास जो डर था वो फाइनली कम हो चुका है. ही इज एबल टू अंडरस्टैंड दैट देर इज नो गोस्ट इन साइड द शेड. और वो समझ चुके हैं कि शेड के अंदर कोई भी गोस्ट नहीं है, भूत नहीं है. ही अंडरस्टैंड्स दैट देर इज एक्चुअली नोबडी इन साइड द शेड. और वो ये भी समझ चुके हैं कि शेड के अंदर कोई भी नहीं है एक्चुअली में. हु स्टेयर्स एट हिम और मेक्स दोज स्ट्रेंज नॉइजेस. और कोई भी इनको घूरता नहीं है, कोई भी अजीब तरह की आवाज़ें नहीं करता है. द स्पाइडर टू इज नो लॉन्गर देयर. और जो मकड़ी है वो भी अब वहाँ पे नहीं है. हिज ब्रदर हैड बीन टेलिंग हिम लाइज बिकॉज ही वॉन्टेड टू रिटेन दिस शेड फॉर हिज ओन सेल्फ. और जिनके भाई है वो उनको हमेशा लाइज यानी झूठ बोलते रहे हैं शेड के बारे में, क्योंकि वो खुद शेड रखना चाहते हैं अपने लिए.
देयरफॉर वेरी सून द पोएट वुड बी एबल टू सेट इन फुट इन साइड द शेड, और इसलिए बहुत जल्द जो पोएट हैं वो शेड के अंदर अपने कदम रखेंगे। हाउएवर ही सेज दैट दिस कैन नॉट हैपन इमीडिएटली, और हालांकि वो ये भी कहते हैं कि ये बहुत जल्दी तुरंत नहीं हो पाएगा, वो श्योर नहीं कि वो उसके अंदर कब जाएंगे। सो दिस वॉज द समरी ऑफ द पोम द शेड। आई होप दैट यू लर्न समथिंग। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। सो इन द नेक्स्ट लेसन एवरीवन। Thank you for attending this session. Do share and subscribe to this channel for more lessons like this. Check out other video lessons by clicking on the video.